बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो सलमान खान की राधे मूवी का ट्रेलर आउट हो चुका है फ्रेंड्स। वैसे इस मूवी का ट्रेलर देख के आपको जरूर वांटेड मूवी की याद आ जाएगी। आपने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर देखा है या फिर नहीं, अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का ट्रेलर आपको दिया जाएगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन कपूर की सरदार का ग्रैंडसन मूवी का भी ट्रेलर आउट हो चुका है। ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें अर्जुन कपूर के अलावा नीना गुप्ता भी देखने को मिलने वाली है। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर 18 मई से प्रीमियर होने वाली है। इसके ट्रेलर की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विजय सेतुपति की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है। यह मूवी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर वेट्री मारन के साथ होने वाली है, जिसमें हमें विजय सेतुपति के को स्टार के रूप में सूरी हमें देखने को मिलने वाले हैं। वैसे यह मूवी हमें इसी साल एंड या फिर अगले साल के शुरुआत में देखने को मिल सकती है। अब हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज रिगार्डिंग अपडेट की बात करें तो पहली अपडेट आई है मोर्टल कॉम्बैट मूवी से रिलेटेड, जिसमें हमें सब जीरो का कैरेक्टर निभाते हुए एक्टर जोई तस्लीम ने कंफर्म किया है कि उनको मोर्टल कॉम्बैट के फर्स्ट पार्ट के अलावा आगे आने वाले 4 पार्ट्स के लिए साइन किया गया है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस मोर्टल कॉम्बैट मूवी के फर्स्ट पार्ट के सक्सेस के बाद ही होने वाला है। वैसे इसके अलावा मोर्टल कॉम्बैट मूवी का फर्स्ट 7 मिनट का फाइट सीन रिवील कर दिया गया है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली न्यूज है अमेरिकन सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर से रिलेटेड। अगर आपको पता है तो ये शो यूएस में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसके अभी तक 9 सीजन आ चुके हैं। वैसे जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ब्लू प्लेटफॉर्म इस सीरीज का सीक्वल शो बनाने वाला है, जिसकी स्टारिंग भी सामने आ चुकी है, जिसमें हमें हिलेरी डफ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस शो से रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। अगली न्यूज है गेम ऑफ थ्रोन स्टारर एमिले कार्क से रिलेटेड, जिसको हाल ही में मार्वेल की सीक्रेट इन्वेजन वेब सीरीज में कास्ट किया गया है। इसके अलावा उनकी आने वाली फर्स्ट कॉमिक बुक का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका टाइटल MOM यानी मदर्स ऑफ मैडनेस होने वाला है। अगली न्यूज है द कंज्यूरिंग यूनिवर्स से रिलेटेड, जिसमें द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट का न्यू कैरेक्टर पोस्टर आउट कर दिया है। इसके अलावा इस मूवी का ट्रेलर आज ही 10 बजे से पहले आने वाला है, जिसकी अपडेट लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मूवीज के ट्रेलर और टीजर रिगार्डिंग अपडेट की तो ऑक्सीजन, ट्रेस टक सीजन 2, सर्चिंग फॉर शीला हिंदी ट्रेलर, ये सारे मूवी के ट्रेलर आउट हो चुके हैं, जिसकी अपडेट लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अथवा हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी मिल जाएगी, हमें वहां पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग रिलेटेड अपडेट की तो 2019 में आई हॉरर मूवी द विगिल 30 अप्रैल से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप बाय या फिर रेंट कर सकते हो। अब आज की लास्ट और स्ट्रीमिंग रिलेटेड अपडेट की बात करें तो नागार्जुना और दिया मिर्जा स्टारर वाइल्ड डॉग मूवी, जिसे अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया है फ्रेंड्स, इस मूवी को काफी अच्छा प्रतिशत मिला है। ये मूवी की IMDb रेटिंग अभी 7.5 की है। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।